जादुई तेल का चमत्कार। एक समय की बात है, एक सेठ दूर दूर राज्यों में कपड़ों का व्यापार करता था और अपने सामान के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध था। किसी को कैसा भी कपड़ा चाहिए होता, वो सेठ से ही खरीदता था। अपनी ईमानदारी और कड़ी मेहनत के कारण सेठ के पास जमीन, जायदाद, रुपया, पैसे की कोई कमी नहीं थी। एक दिन, देखो भाग्यवान, हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं। पता नहीं भगवान हमें ही कोई बच्चा क्यों नहीं दे रहे, जबकि हम तो के दूसरे से आज भी बहुत प्यार करते हैं। हाँ जी, ठीक कह रहे हो आप। स्वदेशी हो या विदेशी, हर तरह की सुख सुविधा है हमारे पास। एक औलाद का सुख मिल जाता तो कोई शिकायत नहीं थी भगवान से। तुम फिकर ना करो, हमारे बारे में भी कुछ अच्छा ही सोच रहे होंगे भगवान। कुछ दिन बाद सेठ देखा सेठानी बड़ी परेशान नजर आ रही है। पूछने पर पता चला कि सेठानी के बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। इतनी परेशान क्यों हो रही है? इसमें परेशानी वाली क्या बात है, बाल ही तो हैं, आते जाते रहते हैं। अजी आप समझ नहीं रहे, बालों का गिरना इतना ज्यादा हो रहा है कि मुझे परेशान कर रहा है। अरे तुम चिंता मत करो, काम की वजह से मैं कल विदेश जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए अच्छी दवा खरीद लाऊंगा। अच्छा जी, ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। कुछ दिन बीत गए, लेकिन सेठानी के बालों का गिरना जारी रहा। ये देख के सेठ भी उदास हो गया। मन ही मन सोचने लगा, इतना रुपया पैसा होने का क्या फायदा जब मैं अपनी पत्नी का इलाज ना करा पाऊं। इस बेचारी के बाल इतनी तेजी से झड़ रहे हैं कि एक दिन ये पूरी तरह से गंजी हो जाएगी और लोग मुझे गंजी का पति कहकर बुलाएंगे। सेठ पत्नी के बालों के लिए इतना चिंतित हो गया कि रात में तो उसको अपनी पत्नी के सपने आते और महसूस होता कि चारों तरफ लोग उसे गंजी का पति कहकर बुला रहे हैं। क्या करूं मैं, महिलाओं के बाल भी इतनी बड़ी समस्या बन सकते हैं, पता नहीं था। मेरा तो मेरे काम से भी मन नहीं लग रहा अब। सुनो जी, आप चिंता मत करिए, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। आपके ग्राहक भी कम होने लगे हैं और कितने दिनों से आप विदेश भी नहीं गए हैं। एक दिन जब सेठ की पत्नी स्नान करके बाहर आई तो सच में ही उसके बाल गायब हो चुके थे और वो पूरी तरह से गंजी हो चुकी थी। उसने जब अपनी पत्नी का ये हाल देखा तो वो जोर जोर से रोने लगा और गांव के बाहर बने देवी के मंदिर में चला गया। उसे लगा वहां बैठकर उसे शांति मिलेगी। जब वो वहां पर बैठा हुआ था, वहां पर एक साधु आया और उसने सेठ से उसकी उदासी का कारण पूछा। सेठ सिसक सिसक कर रोने लगा और बोला, महाराज मेरी पत्नी के सारे बाल गिर गए और वो पूरी तरह से गंजी हो गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं सबको अपना मुंह कैसे दिखाऊं अब। बेटा मैं तुम्हें वर्षों से जानता हूँ, मुझे पता है कि तुम एक बहुत ही मेहनती, सच्चे और दयालु इंसान हो। मेरे पास एक जादुई तेल है, हम ये तेल आपकी पत्नी को दे देंगे। रोज ये तेल को अपने सर पर वो लगाएंगी, उसके बाद तुम्हारी पत्नी के बाल फिर से उग जाएंगे और बहुत ही लंबे हो जाएंगे। किंतु याद रखना, ये जादुई तेल है, इसका काम है किसी भी चीज को बड़ा कर देना, इसीलिए इसका प्रयोग सोच समझ कर करना और काम हो जाने के बाद इस तेल को गांव के सरोवर में डाल देना। सेठ बहुत खुश हुआ और साधु से तेल लेकर उसने अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी पति के कहे अनुसार रोज उस तेल को अपने सर पर लगाने लगी। सच में उसके बाल बड़े लंबे हो गए। सेठ की सारी परेशानी दूर हो गई और वो दूसरे नगर में व्यापार करने के लिए चला गया। कुछ दिन बाद,
भाग्यवान, कैसी हो तुम और कहाँ हो, नजर नहीं आ रही। आ गए आप? हाँ मैं आ गया, एक ग्लास पानी तो ले आओ और देखो मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। पानी नौकर को बोल दो, वो ले आएगा, मैं आपके सामने नहीं आ सकती। ऐसा क्या हो गया और ये क्या कह रही हो तुम? बहुत मन्नतें और सिफारिशों के बाद जब फिर पत्नी सामने आई तो वो ये देखकर हैरान हो गया कि पत्नी की जुबान उसके मुंह से बाहर लटक रही थी और वो बड़ी ही भयानक लग रही थी। ये क्या हाल बना लिया है आपने, कैसे हुआ ये सब? सुनिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आपने कहा था कि तेल केवल सर पर लगाना, ये जादुई तेल है, किंतु तेल का काम खत्म होने के बाद तेल वापस कैसे मिलेगा, ये सोचकर क्यों ना मैं ये तेल घर पर ही बना लूं। मैंने तेल को अपनी जीभ पर लगाकर उसका स्वाद लेना चाहा, ताकि ये जान सकूं कि इसमें क्या क्या मिला है, और ऐसा करते ही मेरी जीभ इतनी बड़ी हो गई। सेठ सर पकड़कर बैठ गया और बोला, मैं समझ गया कि अब इस समस्या का कोई निदान नहीं। उसके बाद सेठ की पत्नी को किसी ने घर के बाहर कभी नहीं देखा और सेठ अपनी पत्नी की मूर्खता के कारण पूरा जीवन एक इतनी लंबी जिह्वा वाली पत्नी के साथ जीता रहा और ये कहावत बन गई कि पत्नियों की जुबान बहुत लंबी होती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे समझे हमें किसी भी वस्तु का और किसी दूसरे काम में उपयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जिस वस्तु का इस्तेमाल जितना होता है उतना ही करना चाहिए। अगर हम उस वस्तु का उपयोग और किसी काम में करेंगे तो हमारी अपनी ही हानि होगी।